Salutation to the God, अभिवादन सभी को, सबैलाई अभिवादन. प्लेजन्स इन्स प्लीजर वी कैन गेट फ्रॉम द गॉड ओनली. प्लेजर मीन्स प्लेजन्स वी कैन रियलाइज ऑल द टाइम फ्रॉम ओनली द गॉड. From only the God, we can realize always the most pleasant. जो आनंद है, जो भरपूर आनंद है, आनंद का जो हद है, वो केवल भगवान से ही मिल जाता है. आनंद का जो हद है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्लेजर हम लोगों को परमात्मा से ही मिल जाता है. हमीरलाई जो आनंद हो, परिपूर्ण आनंद, सदैव को आनंद, जो अमर आनंद हो, यो परमात्माबाट मात्रै पाउन सकिन्छ. किनभने हामीहरूको यथार्थ स्वरूप परमात्मा, हामीहरूको यथार्थ स्वरूप परमात्मा. त्यसकारणले हामीहरूले खोजेको जो आनन्द हो, सधैँको जो आनन्द हामीले जो चाहिरहेका छौँ, त्यो परमात्मा रूपले मात्रै सम्भव छ. ओन्ली वी क्यान गेट प्लेजर मिन्स प्लेजन्स ओन्ली फ्रम द गड इज पोसिबल. परमात्मा होने से बेगर, परमात्मा के अलावा जो हम लोग चाह रहे हैं आनंद ही आनंद, वो संभव कभी भी नहीं है. इसलिए जो परमात्मा है, सबका अपना वास्तविक स्वरूप होने से परमात्मा को अपना स्वरूप समझ के अगर रहें, तभी हरदम आनंद सभी को हरदम संभव है. दूसरा रास्ता नहीं है. हरदम आनंद के लिए दूसरा रास्ता नहीं. देयर इज नो अदर वे टू फील ऑलवेज प्लेजर एक्सेप्ट गॉड. परमात्मा के अलावा और ढंग से जो हम लोग चाह रहे हैं हरदम सुख का अनुभव, हरदम आनंद का अनुभव, वो केवल परमात्मा से ही हो जाता है. अब जो है, जो कलयुग जो है, अभी का जो समय है, सबसे आसानी तरीका परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा में रहने के लिए, परमात्मा को साक्षात अनुभव करके रहने के लिए, सुषुप्ति को ही लेना सबसे सान्दर्भिक है. सुषुप्ति का मतलब गाढ़ा निद्रा को लेना ही सबसे सान्दर्भिक है और आसानी है, और संसार का सभी को संभव है. संसार के जो भी हम लोग हैं, सभी को
सुषुप्ति जो गाढ़ा निद्रा है उसको लेकर ही संभव है। और सभी को लेने के लिए सबसे आसानी तरीका सुषुप्ति को ही लेना है। सुषुप्ति मतलब गाढ़ा निद्रा। सोते समय जब हम लोग सोते हैं, रात में जो सोते हैं उसमें जो निद्रा पड़ जाता है, जो निद्रा हो जाता है, उसमें दो प्रकार का अनुभव है। एक स्वप्न का अनुभव होता है, जहाँ अर्थात वहाँ भी शरीर संसार है, स्वप्न के अवधि में भी शरीर संसार है, इसको स्वप्न कहा जाता है। लेकिन जो सुषुप्ति है, जो गाढ़ा निद्रा है, इसका अर्थ स्वप्न से अलग है। निद्रा के अंदर दो प्रकार का अनुभव है, एक स्वप्न का अनुभव, दूसरा गाढ़ा निद्रा का अनुभव। गाढ़ा निद्रा जिसको सुषुप्ति कहा जाता है, उसमें जो अनुभव होता है वह केवल आनंद का अनुभव होता है। वहाँ केवल आनंद का अनुभव होता है, वहाँ जो है आनंद के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर संसार का कोई नाम नहीं है। शरीर संसार का गाढ़ा निद्रा में जो सुषुप्ति कहा जाता है, उसमें कोई नाम निशाना शरीर संसार का नहीं है। इसलिए शरीर संसार के बारे में कोई चिंता भी वहां नहीं है। वहां जन्म मृत्यु के बारे में कोई गुंजाइश नहीं है सोचने का, चिंतन करने का, क्योंकि वहां शरीर संसार एको नहीं है, एक भी नहीं है। न शरीर संसार है, न उसका वासना है। वहां तो शरीर संसार के रहित केवल परमात्मा का अनुभव है, जहां केवल आनंद का ही अनुभव होता है। आनंद के अलावा वहां कुछ है ही नहीं। इन द एक्सपीरियंस ऑफ स्लीपिंग टाइम, इन द ऑन द एक्सपीरियंस द टाइम व्हेन वी स्लीप, इन द टाइम ऑफ स्लीपिंग टू काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। वन द एक्सपीरियंस ऑफ ड्रीम एंड द अनदर एक्सपीरियंस ऑफ ओनली प्लेजर्स, एक्सपीरियंस ऑफ ओनली प्लीजेंस, ओनली हैप्पीनेस। So, in sleeping time, two types of experience of all people of the world. One experience of dream, other experience of only pleasance, only pleasure. Now the concern is with the sound sleep. There is a only pleasance, only pleasure. Except pleasure, nothing is there, because there is no one piece of world. There is no one piece of world. गाढ़ा निद्रा में संसार का एक टुकड़ा भी नहीं है। गाढ़ा निद्रा जो सुषुप्ति है, उसमें शरीर संसार का एक टुकड़ा भी नहीं है। वह केवल परमात्मा का अनुभव है, जहां केवल आनंद ही आनंद मिलता है। उसी को लेना होगा। परमात्मा को लेने के लिए सबसे आसानी तरीका संसार के हम सभी लोगों के लिए केवल सुषुप्ति को याद करके रहना है, क्योंकि वहां शरीर संसार का कुछ भी अंश, कुछ भी टुकड़ा, कुछ भी वासना वहां है ही नहीं।
केवल परमात्मा है जो आनंद का ही अनुभव है। वही आनंद को अभी स्मरण करके अगर ले लें हरदम, तो हरदम सुख का ही अनुभव होता है, क्योंकि वहां शरीर संसार का कोई नाम नहीं है, कोई नाम रूप रंग क्रिया नहीं है। वहां तो केवल परमात्मा ही है जो सबका असली स्वरूप है। हम लोगों का असली स्वरूप पहचानने के लिए गाढ़ा निद्रा ही एक ही पर्याप्त है। ओनली टू मेमोरी द साउंड स्लीप इज सफिशिएंट टू रियलाइज होल प्लेजर, कंप्लीट प्लेजर, होल सोल प्लेजर। सो द साउंड स्लीप very good example for us, for human beings, to realize the experience of the God for all. This is the saying of supreme philosophy of the world. This version, this saying, this philosophy is from the topest, from the supreme spiritual philosophy, from supreme spiritual books. This is written. In fact, it is true. इस कारण से सुषुप्ति जो गाढ़ा निद्रा है, उससे हम लोग संसार का सब हम लोग, जो कोई भी हम लोग हैं, हम सभी के लिए केवल गाढ़ा निद्रा सबसे आसानी तरीका है जल्दी परमात्मा में बदलने के लिए। जल्दी ही परमात्मा में बदल के परमात्मा के रूप से परम आनंद का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है। ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद आदि से ये कहा गया है। जो उपनिषद है वो है वेदांत, कंक्लूजन ऑफ वेदांत। वेद का निचोर है वेदांत, उसको उपनिषद कहा जाता है। इसमें ये वर्णन है, इसलिए अगर हरदम आनंद में ही रहना है, अगर हरदम केवल आनंद में रहना है, चिंता रहे, दुख रहे, डर रहे, केवल आनंद में ही अगर हरदम, हरदम के लिए फॉर इवर इमोर्टली अमर रूप से अगर रहना है, तो केवल जो गाढ़ा निद्रा है, जो सुषुप्ति, जिसको सुषुप्ति कहा जाता है, उसको याद करके, बार बार याद करके अगर उसको ले ले, तो साक्षात परमात्मा का अनुभव हो जाता है। उससे परम आनंद का अनुभव हरदम सभी को निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। हर इज नो एनी डाउट, हर इज नो एनी डाउट, नो कैन एक्सप्लेन अगेंस्ट दिस वर्सन। इस भनाई का कोई भी दुनिया में खंडन नहीं कर सकता है। इट इज ट्रू। सो दिस इज द लेसन फॉर अस टुडे। आज का, आज के लिए हम लोगों का सबसे अच्छा उपदेश यही है। आज का मतलब अकॉर्डिंग नेपाली डेट 2081, नेम ऑफ द मंथ दैट इज भाद्र, Bhadra today 8th, and the day Saturday. According English day 2024, the month August. August 24 today. Today Saturday. According Hinduism, Tithijam. Bhadra Krishna Paksha Panchami today. Shanishcharvar.
these all, these real facts all, ये जो वास्तविक बात है हम लोग अभी कह रहे हैं, सुन रहे हैं फ्रॉम बलराम जीसी, टाइटल्स अद्वैत प्रदीप सरस्वती, प्रेसिडेंट ऑफ अखंड सुख केंद्र फ्रॉम नेपाल कंट्री फ्रॉम भैरवा सिटी, थ्रू मीडियाज रेडियोज एफएम रूपंदे एफएम फ्रॉम नेपाल भैरवा एंड फ्रॉम रेडियो परासी, फ्रॉम श्रीनगर एफएम 93.2 मेगाहर्ट्ज, बुटोल मुक्ति एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज एंड द मेगाहर्ट्ज ऑफ रेडियो पराशी दैट इज 90.2 एंड द मेगाहर्ट्ज ऑफ रूपंदे एफएम दैट इज 102. Now we are directly telling, listening through radio media about our the immortal nature that is God, and all we can be happy all the time, we can be happy always, that means pleasure, that means pleasance. Thinking that we are actually God, we are not different from the God. Now the time is ending. Hari Om Tat Sat.